दोस्तों मोटोरोला ने आज इंडिया में लॉन्च कर दिया अपने न्यू स्मार्टफोन मोटो G32 को, जिसको कि मैं आपको लेने से मना कर रहा हूँ। अब देखो यार, इस बार ना मैं मोटोरोला से डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो एक बार आप इस वीडियो को एक मोटोरोला फैन हुआ बन के मत देखना, एक जो फ्रैंक ओपिनियन होता है, मतलब जो एक फ्रेश माइंड बनकर देखना, फ्रेश माइंड लगाकर देखना, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर, बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल होकर इस वीडियो को देखना। क्योंकि मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, आपके प्रॉफिट के लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि मोटो G32 आपको मैं लेने से आखिरकार क्यों मना कर रहा हूँ। क्योंकि इससे बेटर स्मार्टफोन ना मोटोरोला का ही अवेलेबल है सेम प्राइसिंग पे। तो भाई आप मोटो G32 क्यों लेने जाओगे? बहुत अच्छा स्मार्टफोन इससे अवेलेबल है, जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप वो ले लो। मोटो G32 में मतलब इतना कुछ खास अपग्रेड नहीं करा गया, मैं कहता हूं कि कुछ भी अपग्रेड नहीं करा गया, यहां पे छोटे छोटे अपग्रेड करे गए हैं। तो बस वीडियो में तक देखते रहना। अगर आपके 12-13 हज़ार रुपये मेहनत की कमाई के है, कीमती कमाई के है, तो मतलब नहीं तो आपके पैसे जो है 12-13 हज़ार रुपये गलत स्मार्टफोन को परचेज करने में वेस्ट हो जाएंगे। तो बस वीडियो में तक जुड़े रहना। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे मोटो G32 के जल्दी जल्दी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 90 Hz का रिफ्रेश रेट ला कर दिया गया। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। सामने की तरफ पंचोल स्टैंडिंग वाला डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 50 MP का। सेकेंडरी कैमरा 8 MP का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। थर्ड कैमरा 2 MP का यूज करा गया है। बैटरी यहाँ पे यूज करा गया 5000 mAh की, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। एंड 33 W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर यूज करा गया स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट, जो कि एक 4G चिपसेट है, 5G चिपसेट नहीं है। तो ये 4G स्मार्टफोन है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं, 3.5 mm जैक देखने को मिल जाते हैं, SD कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे दे दिया गया है, डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, IP52 का रेटिंग दे दिया गया। तो थोड़े बहुत पानी के छींटे पड़ती है तो कुछ भी नहीं होगा इस स्मार्टफोन को। एंड ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेंगी। ये रही पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन यानी मोटो G32 की। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो देखिए, इंडियन मार्केट में ये सिंगल वेरिएंट लॉन्च करा गया, जो है 4+64, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 12,999 रुपये। बट अगर आप यहाँ पे कार्ड लगाते हो HDFC का, वो भी क्रेडिट कार्ड सिर्फ, तो वहाँ पे आपको 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसके बाद उसकी इफेक्टिव प्राइस है वो बन जाती है 12,000 रुपये। कार्ड लगाने के बाद 12,000 बनते हैं, ऐसे एक्चुअल प्राइस इसकी 13,000 रुपये है। अब देखो, यहाँ पे जो मोटो G31 था ना, उसमें हमें देखने को मिला था एक एमोलेड पैनल। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 60 Hz का ही पैनल देखने को मिला था, बट वो एक एमोलेड पैनल था, और एमोलेड पैनल बहुत अच्छा होता है IPS LCD पैनल से। तो ये मुझे तो अपग्रेड मतलब डिस्प्ले सेगमेंट में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैं मानता हूँ प्रोसेसर अपने अच्छा लगाया है, कैमरा थोड़ा बहुत अपने अच्छा यूज़ करा है, बट भाई यहाँ पे अपने डिस्प्ले, जो कि एक प्लस पॉइंट था आपका बहुत बड़ा, कि आप एमोलेड पैनल यूज कर देते थे और कम प्राइस में भी, आपने उसी को मिस कर डाला मोटोरोला। यहाँ पे हमें एमोलेड पैनल दे देते ना, तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती। आपने एमोलेड पैनल नहीं दिया, ये बहुत बड़ा आपका एक मिस्टेक है। यहाँ पे एमोलेड पैनल आपको देना चाहिए था। तुम देखिए, अगर आपको स्मार्टफोन ही लेना हो, कि प्राइस बजट जो है 12-13 हज़ार रुपये है, तो आप जाकर ले लो। स्टिल मैं कहता हूँ कि मोटो G31 लो, जहाँ अभी भी मैंने फ्लिपकार्ट पर प्राइस चेक करा, प्राइसिंग उसके 10,500 रुपये है, जहाँ पे मैं मानता हूँ कि आपको 13 का ही सेल्फी देखने को मिलता है, 18 W का ही फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, G85 देखने को मिलता है। मैं मानता हूँ कुछ कुछ मामलों में कम है, बट यकीन मानो मोटो G31 एक अच्छा खासा स्मार्टफोन है, तो आप उसकी तरफ देख सकते हो। अब देखो, बात आती है कि हमें भैया मोटो G31 नहीं लेना है, कुछ और स्मार्टफोन लेना है, मुझे मोटो G32 ही लेना है। तो अब देखो ना, बात ये आती है कि अगर आप मोटो G32 लेने का जिद ही कर रहे हो, तो आपको देखो ऐसा नहीं है कि मोटो G32 आपको लेना है, आपका ये रिक्वायरमेंट होगा कि मुझे मोटोरोला का ही फ़ोन चाहिए और अच्छे चीज़ों के साथ में चाहिए। यहाँ पे देखो, मैं आपको क्या कहता हूँ ना, आप मोटो G51 ले लो, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है, मोटो G51 5G, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है 4+64, जिसकी प्राइसिंग फ्लिपकार्ट पे मैंने अभी चेक करा 12,249 रुपये है, जहाँ पे आपको देखने को क्यों मिलता है, आपको पता है, स्नैपड्रैगन 480 प्लस का एक 5G चिपसेट। और मैं आपको बता दूं कि स्नैपड्रैगन 480 प्लस चिपसेट जो है स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट से बेटर चिपसेट है। तो अगर आप मोटो G51 लेते हो, तो ये फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको 5G हो, तो 5G आप इसमें यूज़ कर पाओगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको 12 5G बैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं G51 में, तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर हम डिस्प्ले की बात करें, तो मैं मानता हूँ कि G51 में भी हमें एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हमें एक 120 Hz का IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं अगेन कहता हूँ कि देखो, अगर आप थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहते हो, तो मोटो G31 लेना, और थोड़े बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो देखो, 12,000 में आप ऑफर लगाने के बाद लोगे, यहाँ पे कार्ड्स लगाने के बाद लोगे 12,000 मोटो G32, तो 249 रुपये और लगाकर आप मोटो G51 5G ले लो ना, बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है।
बिल्कुल भी यहाँ पे सोचने वाली बात ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे ना एक अपडेट का यहाँ पे दिक्कत आएगी। देखो जब आपको मोटो G32 है ना उसमें आपको एंड्रॉयड 13 तक का अपडेट देखने को मिलेगा। जी हाँ, मोटोरोला ने कंफर्म करा है कि एंड्रॉयड 13 तक अपडेट हम देंगे उसमें। बट जो ये मोटो G51 5G है यहाँ पे जो है आपको एंड्रॉयड 12 तक का ही अपडेट देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, यहाँ पे एक साल आपको पीछे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो ना तो मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ कि आप मोटो G51 5G ही लेना। देखो 5G स्मार्टफोन ऊपर 120Hz का पैनल प्रोवाइड कर रही है तो काफ़ी अच्छा बात है। तो मैं स्टिल कहता हूँ कि आप मोटो G51 5G ले लो या फिर मोटो G31 ले लो। मोटो G32 एक काइंड ऑफ मतलब मोटोरोला क्या करिए पता है, थोड़े बहुत स्पेक्स चेंज करती है और यहाँ पे नया स्मार्टफोन लॉन्च कर देती है। किसी में एमोलेड डिस्प्ले लगाती है, किसी पे IPS पैनल लगाकर और थोड़े बहुत चेंजेस करके बस और लॉन्च कर देती है एक नया स्मार्टफोन। अभी जो मोटो G62 लॉन्च होने वाला है हाल ही में 11 तारीख को, उसमें भी वही कर रही है। उसमें ही बताऊंगा जब उसका वीडियो बनाऊंगा। तो बट लास्टली यही कहूंगा कि G32 को मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ यार, क्योंकि उससे बेटर स्मार्टफोन यहाँ पे अवेलेबल है तो हम उसकी तरफ चले जाएंगे। हम इसको लेने का सेंस नहीं बनता, इसको स्किप करो ठीक है। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था मोटो G32 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।